इस फिल्म पर वी हैव गॉट अ मैसेज इन दिस फिल्म. एक जैसे मैंने कहा था अंग्रेजी में कहावत है गॉड हैज मेड एवरीथिंग फॉर अ मैनस नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड. यही मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ. क्या लालच से कमाई हुई पैसा कभी पलटता नहीं है. कभी ना तो कभी आप फंस जाओगे. आप देखिए छगन भुजबल जेल के अंदर क्यों है, फंस तो गया है. आप 5,000 करोड़ भी बचा नहीं सका उसको. बाबा राम रहीम को देख लो, 10 साल का लिए ये जाएगा. कहने के मतलब क्या है, ये जो दौलत अपने गलत तरीका से कमाया या बीमारी होकर आपको पैसा निकल जाएगा, फैमिली में कोई हादसा होगा, तो इसीलिए कहानी का मेन आइडिया खासकर जो न्यू जनरेशन है उनका लिए मैं बताना चाहता हूँ. क्या एक चीज़ याद रखो, मेहनत करो, कमाओ, सिंसियरली कमाओ, मतलब तो पैसा कम कमाओ ताकि बस इज्जत के साथ कमाओ, वो पैसा आपको साथ देगा. ये बेसिकली मैसेज है पिक्चर में. इसको हमने कमर्शियल जामा पहना दिया, उसका एक थ्रिलर बना दिया, क्राइम बना दिया. बेसिकली द प्रोटोगोनिस्ट इज अ यंग गाय, द रियल हीरो वो 21 साल का लड़का है. उसको रातों रात करोड़पति बनना है. एक आदमी उसको गलत काम में फंसा देता है, एक किडनैपिंग का ट्रैप में उसको गिरा देता है. उसके बाद वो रियलाइज करता है कि मैंने किडनैपिंग क्यों किया, पैसा का लालच पड़ता है, पूरी तरह से फंस जाता है. और फिर वो कैसा निकलता है, और आपके हाथ पे एंड में उसके पास 4 करोड़ रुपया पैसा भी था, वो जाकर पुलिस को दे देता है. क्यों बोलते हैं, ये गलत तरीका से मैंने कमाया, अपने को कन्फेस करता है. और रहम दिल, वाइज इज रहम दिल, क्या हर इंसान भला वजमान कसाब रहे या कोई रहे, हर इंसान के अंदर ऊपर ऊपर वाले ने, देर इज अ ह्यूमैनिटी इन एवरी ह्यूमन बींग. एक रहम दिल हर इंसान उसे कुरेदना चाहिए. ही मस्ट गेट द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस फॉर दैट टू कम आउट. हमने यही कहानी में बताया. हीरो के अंदर, हीरो हमारा राउडी कैरेक्टर है, सबको मारता है, मार पीट, बाप माँ सबको परेशान करके घर छोड़ कर चला जाता है. लेकिन उसमें एक इंसानियत छुपा हुआ था. तो इतना कुछ करने का बाद ही सरेंडर हिमसेल्फ टू द पुलिस. नो, आई वांट द मनी वेरी रॉन्गली, इट हैज टू बी सरेंडर. तो रहम दिल दिया है कि हर इंसान के अंदर, मतलब एक रहम दिल कातिल, कातिल जो है हर इंसान ही आज के तारीख पे कातिल है, हार्डली अच्छे आदमी मिलेगा, उसके अंदर एक रहम वाली चीज होता है, उसको निकाला. तो दिस अदर टू मैसेज आई गिव इट टू द मूवी. बट सर, व्हाई रहम दिल कातिल, बिकॉज़ एज यू सेड ह्यूमैनिटी होता है, लेकिन द टाइटल शुड बी और कुछ भी हो सकता था. नहीं, मैंने इस वजह बोलता, रहम दिल कातिल, एक तो कातिल है जैसा उसमें भी बैठ रहा है, लेकिन कातिल भी रहम हो सकता है. क्यों, उसको क्लाइमेक्स में मौका मिला है, जिसने उसको फंसाया, उसको मारने का मौका मिला, लेकिन उसके अंदर द ह्यूमैनिटी जाग जाता है और वो रहम दिखाते उस रात में जब वो बोलता है मुझे मार सकते, मैं तुम्हारा खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुमको ट्रैप किया है. तो नहीं, तुमने जो मुझे गुनहगार बनाया, इससे मुझे तुमने एक सबक सिखाया, आई हैव लर्नड अ लेसन. उसके अंदर एक रहम जो है वो उभर के बाहर आता है. तो रहम दिल काफी इज अ क्रिमिनल, बट रहम दिल उजागर करके दिखाता हूँ. इसका कारण मैं बताता हूँ, तब कोई आर्टिस्ट हमारा साइन नहीं हुआ था. कोई नो आर्टिस्ट वॉज साइन, ना शाहबाज खान हुआ था, जिसमें भाभीजी घर पर है, मैं तो कॉमेडी है ना, टीका मलका अच्छा रोल कर रहा है, मनोज एक भोजपुरी का एक्टर है, मनोज टाइगर. तो हमने क्या किया, तभी नो बडी वॉज साइन, बिकॉज दे वर नॉट साइन. तो क्या करें, किसी का फेसेस मत दिखो, चाकू रख दो, एक डिफरेंट लीडर. अभी जो पोस्ट कर जाएगा सब.